दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच में रविंद्र जडेजा ने रचा इतिहास। क्या है मैच की पूरी जानकारी और क्या इतिहास रचा है बताएंगे इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही चार मैचों की वाइडर गावस्कर ट्रॉफी श्रृंखला का तीसरा मैच इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जा रहा है, जिसमें पहले दिन भारतीय टीम बैक फुट पर नजर आ रही है। दोस्तों टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम महज 100 रन के निजी स्कोर पर सिमट गई, तो वही जवाब में दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया की टीम ने चार विकेट खोकर 158 रन बना लिए हैं। दोस्तों भारतीय टीम के लिए रविंद्र जडेजा ने ही चारों विकेट लेने का कारनामा किया है। जडेजा ने इस शानदार प्रदर्शन से एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है और भारत के लिए 500 विकेट और 5000 रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। दोस्तों रविंद्र जडेजा ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ट्रेविस हेड को LBW कर इस रिकॉर्ड को अपने नाम किया है। रविंद्र जडेजा के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में विकेटों की संख्या 500 हो गई है। दोस्तों जानकारी के लिए बता दें, जडेजा से पहले भारत के लिए यह कारनामा सिर्फ पूर्व कप्तान कपिल देव ही कर सके हैं। दोस्तों रविंद्र जडेजा ने 171 वनडे में 189 विकेट और 64 T20 इंटरनेशनल मैचों में 51 विकेट चटकाए हैं। गेंदबाजी के साथ रविंद्र जडेजा तूफानी बल्लेबाजी करने का भी दमखम रखते हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है, रविंद्र जडेजा तीसरे मैच में कितने विकेट चटकाएंगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।